हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मेडिसिन वर्ल्ड भारत पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से उपस्थित है आपके सामने लेकर एक बहुत ही अच्छा टैबलेट लेकर, जिसका उपयोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसी समस्या, जैसे कि आप बस में सफ़र करते हों या आप ट्रेन में सफ़र करते हों, कहीं भी आपको वोमिटिंग की समस्या हो जाती है, या पार्टी पर गए हैं और आपने ज़्यादा खाना खा लिया है, अपचन हो गई है, आपको उल्टी हो रही है, तो उस समय आप इस टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो पर आपको बताऊंगा इस टैबलेट के यूज़ के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके डोजेस के बारे में, इसके साथ ही इसके वार्निंग के बारे में, और इसे मैक्सिमम कितने दिन तक ले सकते हैं और प्राइस भी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिसिन वर्ल्ड भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैबलेट कौन सा है। दोस्तों, टैबलेट है आपका ऑनडेट एमडी। ऑनडेट एमडी जो है दोस्तों, ये हमेशा आपको वॉमिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, नौशिया होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों, जिन लोगों में सर्जरी होती है, अगर सर्जरी के बाद भी उन्हें वॉमिटिंग वाली समस्या होती है, तो उन लोगों को भी यह दिया जाता है। एवं कैमियोथेरेपी, इसके साथ रेडियोथेरेपी जब कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है, तो उनमें अगर वोमिटिंग वाली समस्या होती है, तो उस समय भी ऑनडेट एमडी टैबलेट का ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसके दोस्तों ये काम किस तरह करता है। दोस्तों, इसको काम करने का तरीका बहुत ही आसान है। दोस्तों, आप इसमें जो कॉम्पोजिशन है उसे आप पढ़ सकते हैं। एड्रोस्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, इसका कॉम्पोजिशन होता है, जो एक प्रकार का एंटीमैटिक होता है। दोस्तों, एंटीमैटिक होता है, यह क्या करता है, हमारे जो भी मस्तिष्क होती है वहाँ पर ये सेरोटोनिन को क्या करता है दोस्तों, केमिकल जो फॉर्मेशन होता है उसको लेवल करता है। दोस्तों, सेरोटोनिन केमिकल जो होता है, जिसके कम होने के वजह से आपको चिड़चिड़ापन, आपको वॉमिटिंग या और भी शरीर में थकान वगैरह ऐसी समस्या होती है, तो यह क्या करता है, आपके शरीर पर जो केमिकल फॉर्मेशन होता है उनको लेवल करता है। इसके साथ ही आपको वॉमिटिंग को बंद करने का काम करता है। दोस्तों, ये काम होता है ऑडोनोस्ट्रॉन का। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया किस तरह काम करता है। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कि इसके डोजेस क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके डोजेस के बारे में जानना है, तो इसके डोजेस दोस्तों, आप दिन पर एक टैबलेट ले सकते हैं और पूरे 24 घंटे पर आप मैक्सिमम दो टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। ये तो इसके डोजेस है। और दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं बात करूं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही साधारण है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि आपको बुखार हो सकता है, या तो आपके शरीर में थकान महसूस हो सकती है, या तो आपको दोस्तों सिर चक्कर आ सकता है, इसके साथ ही आपको शरीर में पेन भी हो सकता है। तो ये है इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अच्छा, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ इसके प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस जो है दोस्तों, बहुत ही कम है, 52 रुपीज़ में दोस्तों आपको जो है, यहाँ पर आपको 10 पीस जो है टैबलेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, इसका उपयोग मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यह आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये टैबलेट उल्टी के लिए इतना अच्छा है कि आप कहीं भी खा लें इसे। आप कहीं ट्रेन पर खा रहे, सफ़र करते वक्त अगर आपको उल्टी होती है, बस में, या आपको रात में कहीं अपचन होती है, तो खा लें, आपको संग संग इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है वोमिटिंग, नौसिया में। दोस्तों, ये आपको मैं 110% गारंटी देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा टैबलेट है वोमिटिंग के लिए। तो दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में मैं बता दूँ इसकी वार्निंग क्या है। दोस्तों, सबसे पहला वार्निंग यही है कि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं, उनको ये डर रहता है कि क्या वो स्तनपान कराती हैं या गर्भवती है तो ये ले सकती है। तो उनके लिए यही वार्निंग है कि आप ले सकते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बेहिचक ले सकते हैं। चलिए अब दूसरी बात करें कि दूसरी वार्निंग क्या है। दूसरी वार्निंग यही है कि जो पुरुष शराब का सेवन करते हैं, वो तो कृपया करके इसे ना लें। क्योंकि अगर शराब सेवन करने के बाद आप इसे लेते हैं, तो आपको इसके दुष्परिणाम देखने मिल सकते हैं। दोस्तों, दुष्परिणाम आपको देखना भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शराब और इसका विपरीत कनेक्शन हो सकता है। और इसके साथ ही जो पुरुष लीवर या हार्ट की समस्या से जूझ रहे हों, वो पुरुष बिन
डॉक्टर को बताए हुए ये टैबलेट ना लें, आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये तो थी कंप्लीट जानकारी आपको, और आपको ये मेडिसिन जो है हर जगह मिल जाएगी। और सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल में वीडियो अच्छी लग रहे हो, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि हमें और मोटिवेशनल मिले और हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाकर लाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।